हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था घन का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं, घनाभ का आयतन किस तरह से ज्ञात किया जाता है और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आज पढ़ेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का आयतन और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो अपना क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई 15 सेमी है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बेलनाकार आकृति है, मान लीजिए एक बेलनाकार आकृति है, इसके आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल का हो गया इस भाग का क्षेत्रफल। बेलन का आधार होता है वो कैसा है, वृत्ताकार है। इसका क्षेत्रफल अपन को दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और इस बेलन की ऊंचाई यहां से लगाकर यहां तक कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्थात इसके जो चारों ओर का क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। तो लिखेंगे बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार के क्षेत्रफल का क्या हो गया, इसके जो आधार है वो कैसा है, वृत्ताकार है, मतलब एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है बेलन के, पाई आर स्क्वायर, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, आधार वृत्ताकार होता है इसलिए वृत्त के क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर बराबर 154। सबसे पहले अपन त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। तो आर स्क्वायर बराबर 154/1 इंटू 7/22, 22 से 154 को काट देंगे तो 7 बार आर स्क्वायर बराबर 7 × 7, आर बराबर अंडर रूट 7 × 7, तो आर बराबर 7। अपने पास में आर का मान आ गया, जो बेलन की त्रिज्या है वो आगे लिख देंगे, बेलन की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई दी हुई है बेलन की, बेलन की ऊंचाई बराबर 15 सेंटीमीटर। अब क्या ज्ञात करना है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2πRh। बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πRh बराबर 2 × π का मान 22/7 इंटू आर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर इंटू एच ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर। देखो 7 से तो 7 कट गया, कितने बच गए, 2 × 22 × 15, गुणा कर देंगे इनको, 2 को 15 से किया तो 30, 30 को इससे करेंगे तो 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है, यदि एक बेलन का आयतन 448 पाई घन सेमी तथा ऊंचाई 7 सेमी है तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो क्यों अपन को बेलन का आयतन दिया है, बेलन की ऊंचाई दी हुई है, बेलन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पार्श्व पृष्ठ का अर्थ होता है बेलन के वक्र पृष्ठ का, पार्श्व का अर्थ होता है साइड का भाग, जो बेलन के चारों ओर का भाग है वो पार्श्व पृष्ठ कहलाता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक तो बेलन की त्रिज्या की जरूरत होती है,
होती है और एक बेलन के ऊंचाई की। तो अपने पास में ऊंचाई तो है लेकिन त्रिज्या नहीं है, आयतन दिया हुआ है बेलन का। तो सबसे पहले अपन बेलन की त्रिज्या है वो ज्ञात करेंगे, लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर 448 पाई घन सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई बराबर 7 सेंटीमीटर। ये दो चीजें अपन को दी गई है। अब बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन के आयतन का सूत्र है। बराबर बेलन का आयतन कितना दिया है 448 पाई। अब देखिए अपने पास में एच का मान है तो आर का मान अपन ज्ञात कर लेंगे, पाई की जगह पाई लिख देते हैं, यहाँ पाई दिया हुआ इसलिए पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच का मान कितना है 7 बराबर 448 पाई। अब देखिए आर का मान ज्ञात करना, तो आर स्क्वायर बराबर 448 पाई बटे पाई इंटू 7, बटे में चली गई संख्याएं, देखो पाई से तो पाई कट गया, अब 7 का भाग इसमें लगा देंगे, 7 चुके 42 बच गए, 7 चुके 28, तो आर स्क्वायर बराबर कितने आ गए 64, आर बराबर अंडर रूट 64, आर बराबर 8। अपने पास में आर का मान आ गया 8 सेंटीमीटर, एच का मान भी है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 7 सेंटीमीटर। कौन से भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पार्श्व पृष्ठ का मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच, या बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच बराबर 2 इंटू 22 बटे 7 इंटू आर का मान 8 इंटू एच का मान 7, 7 से 7 कट गया तो क्या आ गया, गुणा कर देंगे 2 इंटू 22 इंटू 8, 22 को 8 से इंटू किया तो 176 आ गया, 176 को 2 से इंटू कर देंगे, 6 को 2 से इंटू किया 12, हासिल किए 14 और 15, हासिल किए 2 और 3 बराबर 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे आपको ज्ञात करना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर, ये बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है, बराबर 2 इंटू 22 बटे 7 इंटू आर का मान 8 फिर एच का मान 7 प्लस 8 बराबर 2 इंटू 22 बटे 7 इंटू 8 इंटू 7 और 8 15। अब ऊपर ऊपर की सब संख्याओं को गुणा करके और 7 का भाग लगाना है, 15 को 8 से इंटू किया 120, 120 को 2 से करेंगे 240, 240 को 22 से इंटू कर देंगे 0, 8, 4 इंटू 0, 8, 4, 0, 8, 2, 5 कितने आ जाएंगे 5, 280 व
बटे सात, अब सात का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सात का भाग आप लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक रोलर की लंबाई 2 मीटर है, ज्ञात कीजिए कि 50 चक्कर लगाने में रोलर कितना क्षेत्र समतल करेगा। रोलर की आकृति कैसी होती है? रोलर की आकृति होती है बेलनाकार, कि एक रोलर है वो बेलनाकार है, वो जिसकी लंबाई 2 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए 50 चक्कर लगाने में रोलर कितना क्षेत्र है वो समतल करेगा। कि एक रोलर की लंबाई तो 2 मीटर है और वो 50 चक्कर लगाने में कितना क्षेत्र तय करेगा, कितनी दूर चला जाएगा, कि जिसका व्यास 1.4 मीटर है। कि अपन को जो रोलर है वो बेलनाकार होता है और बेलनाकार रोलर की लंबाई दी हुई है, जो रोलर की लंबाई है वो तो क्या हो जाएगी इसकी ऊंचाई, और व्यास दिया हुआ है, इससे त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। जो रोलर एक चक्कर में दूरी तय करता है वो होता है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो एक चक्कर की दूरी ज्ञात कर लेंगे, एक चक्कर की दूरी का अर्थ है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद में एक चक्कर की दूरी आ जाएगी, उसको 50 से इंटू कर देंगे तो 50 चक्करों की दूरी आएगी, तो लिखेंगे रोलर की लंबाई, या जो रोलर की लंबाई है वो क्या हो जाएगी बेलन की ऊंचाई, एच बराबर 2 मीटर। अब इसका व्यास दिया है, रोलर का व्यास बराबर 1.4 मीटर, तो त्रिज्या क्या जाएगी आर बराबर 1.4 बटे 2 बराबर 0.7 1.4 में तो 0.7 आ जाएगा, ये 0.7 मीटर। अब आपको ज्ञात करना है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो कि रोलर एक चक्कर में दूरी तय करता है वो बेलन का क्या है वक्र पृष्ठ, तो लिखेंगे रोलर है वो बेलनाकार है, इसलिए लिखेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2πRh बराबर 2 × 22/7 इंटू आर का मान 0.7 इंटू एच का मान 2, इससे ये 0.1 बार कट गया, अब गुणा कर देंगे सब संख्याओं को आपस में 2 × 22 × 0.1 × 2 44 को 2 से इंटू किया तो 88 गुणा करेंगे तो 8.8 मीटर स्क्वायर। यह आ गया आपने बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, या रोलर एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। अब अपने पास में एक चक्कर की दूरी आ गई, रोलर कितने चक्कर लगाता है 50 चक्कर, तो लिखेंगे चूंकि एक चक्कर में रोलर क्षेत्र समतल करता है बराबर 8.8 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, इसलिए कितने चक्कर लगाता है वो 50 चक्कर में समतल करेगा बराबर 8.8 × 50। 8.8 को 50 से इंटू करना है तो इंटू कर देंगे कितना आ जाएगा 440 मीटर स्क्वायर। 8.8 को 50 से इंटू करेंगे तो आएंगे 440, क्षेत्रफल की इकाई वर्ग मीटर है तो 440 मीटर स्क्वायर। कि एक रोलर है वो 50 चक्कर लगाने में कितना क्षेत्र समतल कर देगा 440 मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है,
एक बेलन का आयतन तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 1650 घन सेमी तथा 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई ज्ञात कीजिए कि एक तो बेलन का आयतन दिया हुआ है, एक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अपन को बेलन की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर 1650 घन सेंटीमीटर। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1650। मान लेंगे ये समीकरण नंबर अपना एक है। अब दिया हुआ है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, 1660 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह दिया हुआ है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πRh बराबर 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना समीकरण नंबर दो है। अब देखिए यहाँ 2πRh बराबर 660 है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, h बराबर 660 बटे 2πR। एच को इस साइड में लिख लिया, बाकी सब संख्याओं का इसमें भाग लगा दिया। इस एच का मान समीकरण नंबर एक में रख देंगे, समीकरण नंबर एक में एच का मान रखने पर, समीकरण एक में जब एच का मान रखेंगे तो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच की जगह क्या लिख सकते हैं, 660 बटे 2πR बराबर 1650। एच की जगह ये एच का मान रख दिया। अब देखिए कुछ संख्याएं कटती है, इस पाई से इस पाई को काट सकते हैं अपन, इस आर से ये आर स्क्वायर कट गया। कैसे, आर स्क्वायर काट के आर इंटू आर बटे आर है, तो एक आर से आर कट गया तो क्या बचा, आर बचा, यहाँ पे भी अपने आर बचे हैं। अब देखो दो से 660 330 बार कट गया, तो अपने यहाँ क्या बच गया, आर इंटू 330 बराबर 1650। तो आर बराबर 1650 बटे 330। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 33 का भाग लगा देंगे, आर बराबर 5 सेंटीमीटर। अपने पास में आर का मान आ गया 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या तो आ गई अपनी 5 सेंटीमीटर। अब और क्या याद करने, ऊंचाई। तो समीकरण दो में बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, समीकरण दो में आर का मान रखने पर, समीकरण दो में आर की जगह आर का मान रख देंगे तो क्या जाएगा, 2 × 22/7 पाई का मान इंटू आर का मान 5 इंटू एच बराबर 660। ये बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो क्या आ जाएगा, एच बराबर 660 बटे 1 इंटू 7 बटे 22 इंटू 1/2 इंटू 1/5। अब जो संख्या कटती है उनको काट देंगे, देखो 22 से ये कटती है 30 बार, 2 से 30 फिर 15 बार, 5 से 15 फिर
तीन बार, तो एच बराबर 3 × 7, एच बराबर 21 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या तो कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है वो 21 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है, इससे निकली मिट्टी से 20 मीटर इंटू 14 मीटर का एक चबूतरा बनाया गया है, चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कि 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है, तो ये कुआं है वो किस तरह का हो गया, बेलनाकार। मान लीजिए ये एक कुआं है जिसकी गहराई तो कितनी है 20 मीटर, यहां से यहां तक 20 मीटर है और इसका व्यास ये कितना है, ये है 7 मीटर। इस कुएं से जो मिट्टी निकलती है उससे एक चबूतरा बनाया गया है, तो उस चबूतरे की लंबाई तो 22 मीटर है, चौड़ाई 14 मीटर है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। चबूतरा हमेशा घना आकार का होता है, तो इस कुएं से जो मिट्टी निकलती है उसी का चबूतरा बनता है। तो सबसे पहले इस कुएं से कितनी मिट्टी निकली है, कि 20 मीटर गहरे और 7 मीटर व्यास के कुएं में मिट्टी कितनी है, वो मिट्टी बाहर निकाली जाती है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस बेलनाकार कुएं का आयतन ज्ञात करना है, लिखेंगे कुएं की गहराई जिसका अपने पास में यह मान है h, h बराबर है 20 मीटर, फिर इसका व्यास, कुएं का व्यास बराबर है 7 मीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, त्रिज्या बराबर है 7/2 मीटर। अब इस कुएं का आयतन ज्ञात कर लेंगे या निकलने वाली मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन बराबर, कुआ कैसा है बेलनाकार है, तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 22/7 इंटू आर का मान 7/2 इंटू 7/2, आर स्क्वायर है तो 2 और लिख दिया, इंटू एच का मान 20। अब यदि कोई संख्या कटती है तो अपन काट सकते हैं, देखो ये 7 से 7 कट गया, 2 से ये 10 बार, फिर ये 2 से 10 और 5 बार बराबर 22 × 7 × 5, आपस में गुणा कर देंगे, 22 × 110, 110 को 7 से इंटू करेंगे तो 770 मीटर क्यूब या घन मीटर, ये आ गया अपना आयतन उस मिट्टी का। इसी मिट्टी से चबूतरा बनाया जाता है, चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई दी हुई है अपन को, लंबाई बराबर 22 मीटर, चौड़ाई बराबर 14 मीटर और इसकी ऊंचाई बराबर अपन को ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए चबूतरा किस मिट्टी से बनता है, इसी मिट्टी से बनता है, और इस मिट्टी का जितना आयतन होगा उतना ही चबूतरे का आयतन होगा। तो लिखेंगे चबूतरे का आयतन बराबर कुएं से बाहर निकाली गई मिट्टी का आयतन, ये दोनों बराबर क्यों होंगे, क्योंकि इसी मिट्टी से चबूतरा है वो बनता है। तो चबूतरा किस आकार का है, घनाभ आकार का है, और घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है,
लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर मिट्टी का आयतन कितना है 770। अब अपने पास में लंबाई और चौड़ाई तो है 22 इंटू 14 इंटू ऊंचाई एच बराबर 770, तो एच बराबर 770 बटे 22 इंटू 14। अब जो संख्याएं कटती है उनको काट देंगे। अब देखिए 11 का भाग जाता है इसमें और 11 का भाग इसमें दो बार, फिर भाग हो जाता है 2 का भाग इसमें 35 बार, तो एच बराबर 35 बटे 14। अब 7 का भाग जाता है देखो दोनों में लगा देंगे, 7 का भाग इसमें 5 बार और इसमें 2 बार, तो एच बराबर 5 बटे 2 बराबर 2.5 मीटर। तो उस चबूतरे की ऊंचाई कितनी आ जाएगी 2.5 मीटर। एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा जा सकता है। यदि बेलन की भीतरी त्रिज्या 14 सेमी हो तो उसके भीतरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कि एक बेलनाकार बर्तन है उसमें 30,800 घन सेंटीमीटर पानी भरा जा सकता है, इसका अर्थ क्या हो गया? ये बेलन का आयतन है, बेलन का आयतन दिया हुआ है, बेलन की त्रिज्या दी गई है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपन को आवश्यकता होती है बेलन की त्रिज्या की और उसकी ऊंचाई की। त्रिज्या तो अपने पास में है, ऊंचाई नहीं है, आयतन दिया गया है, आयतन से पहले ऊंचाई है वो ज्ञात करेंगे। लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर 30,800 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर, यह दिया हुआ है बेलन का आयतन कि इसमें इतना पानी भरा जा सकता है, पानी भरा जा सकता है, इसका अर्थ इसका आयतन है। बेलन की त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या बराबर है 14 सेंटीमीटर। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच बराबर 30,800। ये हो गया बेलन का आयतन। पाई का मान 22 बटे 7 इंटू आर का मान 14 है, आर स्क्वायर है तो 14 इंटू 14 इंटू एच बराबर 30,800। अब एच बराबर 30,800 बटे 1 इंटू 7 बटे 22 इंटू 1 बटे 14 इंटू 1 बटे 14। इधर आती है तो ये सब संख्याएं उलट जाती है। अब जो संख्याएं कटती है उनको काट देंगे। देखो 7 से ये 14 दो बार कट गए, 2 का बार इसमें जाता है, 2 का बार जाएगा 15,400 बार। अब देखिए 22 का बार इसमें जाता है, 22 सत्ते 154 700 बार, तो एच बराबर 700 बटे 14। अब और संख्याएं कटती है और काट देंगे। देखो दोनों में 7-7 का बार जाता है, 7 का बार लगाया 2 बार, 7 का बार लगाया 100 बार, 2 का बार 100 में 50 बार, तो एच बराबर 50 सेंटीमीटर। उस पात्र की ऊंचाई कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या भी अपने पास में, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लिखेंगे भीतरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच बराबर 2 इंटू 22 बटे 7 इंटू आर का मान कितना है अपने पास में
इंटू एच का मान 50। अभी निकाला एच का मान, अब जो संख्याएं कटती है उनको काट देंगे, 7 से ये 14 दो बार कट गई, बराबर 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 50, 2 को 50 से इंटू करेंगे 100 आ जाएंगे, 100 को 2 से इंटू किया 200, इसको 22 से इंटू कर देंगे तो 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल।